मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट में सजा को चुनौती दी जा सकती है। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोती ने याचिका का विरोध किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर जाएंगी। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित भरोसा सम्मेलन में वे शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के साथ कई राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जगदलपुर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में करीब 1.5 लाख जनता को संबोधित करेंगी। चुनावी साल में इसी मंच से फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की हुंकार भरेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड से सीधे जगदलपुर जाएंगी। एयरपोर्ट से मंच तक बाइक रैली के माध्यम से उनका स्वागत होगा। कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। 129 करोड़ के 49 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज बड़वानी के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज के आज का ही कार्यक्रम है। सीएम रात 8 बजे कलेक्टर कमिश्नर की बैठक भी लेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस बुंदेलखंड को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नरियावली रेहली विधानसभा का दौरा करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव ग्राम बोरावा जाएंगे और पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुभाष यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इंदौर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। 14 अप्रैल को अखिलेश यादव मऊ जाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं विधायक के सीने में चोट आई है। हालांकि विधायक और कार चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर अपने सकुशल होने की सूचना दी है। नारायण त्रिपाठी बाबा बागेश्वर महाराज की कथा सुनने जा रहे थे। सीधी में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का विरोध देखा गया। संकल्प सत्याग्रह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बीजेपी पर बिंद की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिंद से बीजेपी को 24 सीट मिली थी। इसके बाद भी बिंद पिछड़ा हुआ है। सतना के मैहर में होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा कैंसिल कर दी गई है। कथा क्यों कैंसिल हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस कथा में लाखों श्रद्धालुओं को शामिल होना था लेकिन अब यह कथा नहीं होगी। बता दें कि आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान विशाल कलश यात्रा की भी तैयारी थी जिसमें 51,000 महिलाएं शामिल होने वाली थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना के 52 नए मरीज सामने आए। भोपाल में 16, इंदौर में 10, ग्वालियर में 7 मामले सामने आए। जीडीसीए के उपाध्यक्ष महाहरिमन सिंधिया कोरोना संक्रमित हो गए हैं। महाहरिमन सिंधिया को होम आइसोलेशन में रखा गया है। महाहरिमन सिंधिया की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। बता दें कि ग्वालियर में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में हर रोज 3,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं जिसमें 500 से 600 तक मरीज सर्दी खांसी के शामिल होते हैं। ग्वालियर में राजा मानसिंह फोर्ट के आसपास बनी 12 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध नहीं हो पाएंगी। किले के उर्वाई गेट तलहटी में बनी ये कॉलोनियां अवैध हैं। ग्वालियर में 696 में से 429 कॉलोनियों के वैध करने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन मानसिंह फोर्ट के आसपास की इन कॉलोनियों को वैध करने पर एएसआई ने आपत्ति जताई है। ग्वालियर में सड़क किनारे लगे पेड़ों पर विज्ञापन करने वाले कोचिंग संचालकों पर नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई है। नगर निगम ने थाना बहोड़ापुर क्षेत्र के 15 कोचिंग संचालकों की सूची बनाई है। नगर निगम राजस्व विभाग ने कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। निगम शहर में अवैध रूप से विज्ञापन करने वालों की सूची बना रहा है।
ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया जाएगा। लोक अदालत में वाटर टैक्स, उपभोक्ता प्रभार के साथ ही साथ कई टैक्सों के अधिभार में छूट दी जाएगी। ग्वालियर में कुएं बावड़ियों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। जिले में कुल 645 जल स्रोतों में से 271 कुएं और बावड़ियां असुरक्षित पाए गए। जिला प्रशासन ने असुरक्षित कुएं और बावड़ी के खिलाफ कार्रवाई की है। 81 जर्जर और खुले जल स्रोतों के मालिकों पर धारा 133 के तहत कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा एसपी को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी विनायक वर्मा को वारंट तामीली में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर से भोपाल तक खड़कंप मच गया। रायपुर में पुलिस विभाग ने सैकड़ों पुलिस जवानों का प्रमोशन किया। एएसआई से एसआई के रूप में प्रमोशन किया गया है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से 340 जवानों का प्रमोशन किया गया। भिंड में मिलावटखोरों के खिलाफ फूड विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है। संयुक्त छापेमारी में डेयरी संचालक के घर से 60 लीटर मिलावटी घी बरामद किया गया। रायगढ़ में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में आकस्मिक परिस्थितियों में से निपटने के लिए मॉकड्रिल की गई। प्रशासन ने मॉकड्रिल का आयोजन कराया। एडिशनल एसपी संजय महादेवा के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी ने आकस्मिक परिस्थिति में भीड़ को तितर बितर करने से लेकर इमरजेंसी जैसे हालात में मोर्चा संभालने का अभ्यास किया। इस दौरान 6वीं बटालियन की उपसेनानी सुरेशा चौबे, प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा उपस्थित रहे। रायपुर में यातायात पुलिस ने ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता और मोटर रिपेयर शॉप संचालक से अपील की है कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान का पालन करें। पुलिस ने कहा कि अगर संदेह हो कि वाहन चालक या मालिक फर्जी तरीके से जैसे गलत नंबर लिखवाना या चोरी की गाड़ी चाबी बनवा रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। बड़ौदा बाजार में जेल ले जाते वक्त एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। भाटापारा ग्रामीण थाने के एक सिपाही और दो होमगार्ड आरोपी को बाइक से जिला जेल ले जा रहे थे। सोनू नाम के अभियुक्त को पॉस्को एक्ट के तहत भाटापारा कोर्ट ने सजा सुनाई थी। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। डिंडोरी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर आम लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। वर्दी का कॉप दिखाकर पुलिस वालों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला तहसील मुख्यालय बजाग का है, जहां शहडोल से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे ट्राला चालक से बजाग में पुलिस हवलदार ने दबंगई की। ट्राला चालक से न केवल गाली गलौज की गई बल्कि उसे धमकाया भी गया। घटना से गुस्साए लोगों ने मुख्य मार्ग पर हंगामा कर दिया। भीड़ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पायल ज्वेलर्स में 600 ग्राम सोने की चोरी हुई है। दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। बताया जा रहा है जिले में 5 महिलाओं का संगठित गिरोह पिछले कई दिनों से सक्रिय है। ज्वेलरी खरीदने के बहाने ये महिलाएं गहने चोरी करती हैं। भिंड के रौन थाना अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 में पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। मां बेटे ने मिलकर लाठी डंडों से पति को पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गेहूं की फसल को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। सूरजपुर और सरगुजा में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर पेव शेल्टर के साथ टू लेन मार्ग निर्माण को ईपीसी मोड के तहत मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड पर अंबिकापुर बाईपास पर पेव शेल्टर के साथ दो लेन मार्ग बनाया जाना है। संजय नगर से राजपुरी खुर्द गांव खंड तक बनने वाले इस टू लेन मार्ग के लिए 143,94,94 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन में ट्रेन बहुत सहायक होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश का बेहद दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी अहम व्यवस्था जो सामान्य मानव के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा थी उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि अब स्थिति में ये हो गई थी कि रेलवे में भर्तियों के दौरान जमकर राजनीति की जाती थी, गरीब लोगों की जमीन लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बर्फ को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर एक्शन, फैमिली ड्रामा और रोमांस से भरपूर है। सलमान खान किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में हैं, जो इसी महीने ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस बीच सलमान खान का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वे शर्टलेस होते नजर आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने सिबलिंग डे के खास मौके पर एक क्यूट वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ये वीडियो उनके दोनों बच्चों का है, जिसमें उनकी बेटी समीशा अपने बड़े भाई की देखभाल करते हुए नजर आई।